इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। अगर सबसे सनसनीखेज खबर कहा जाए तो गलत ना होगा। रियासती वजीर रमेश जारकीहोली की शर्मनाक हरकत। रंगीला रमेश के कारनामों से शर्मिंदा कर्नाटक की सियासत तमाम न्यूज चैनलों में इसी खबर को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया जा रहा। आखिर क्या है ये मामला? हासिल इत्तला के मुताबिक वजीर रियासत रमेश जारकीहोली की सेक्स सीढ़ी से खलबली मची हुई है। जो भी हो, जिस वजीर को मुस्तकबिल में वजीर आला के तौर पर देखना चाहते थे, आज की रंगरलियों ने पूरी तस्वीर को दागदार कर दिया है। वैसे भी रमेश जारकीहोली की हरकत की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। आज इंसानी हुकूक तंजीम के सदर दिनेश कलहल्ली ने जब सेक्स सीढ़ी को मंजर आम पर लाया तो रमेश जारकीहोली को शर्मिंदा होकर भागना पड़ा। कुछ महीने पहले इस सीढ़ी को बनाए जाने की बात कही जा रही है। लिहाजा जिस लड़की के साथ रंगरलियां मनाते देखा जा रहा है, इसकी जान को खतरा होने की बात भी दिनेश कलहल्ली ने मीडिया को बताया है। ये भी कहा कि लड़की को नौकरी या कारोबार की लालच दिखाकर इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। और जब से इस वीडियो को रिलीज किया गया है तब से वजीर रियासत रमेश जारकीहोली लापता हुए। यह पहली बार नहीं है कि किसी वजीर ने या सियासी लीडर ने इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया हो। यह एक इस सियासत का एक काला पहलू है जिसमें अक्सर मुलव्विस पाए जाते हैं। खैर, जब वो एक अवामी नुमाइंदे बनकर आगे भेज दिए जाते हो तो किन कामों को अंजाम दिया जाता है, ये भी उसकी एक दलील कह सकते हैं। अवाम की जानिब से अवामी नुमाइंदे बनाकर भेजे जाते हैं, पर इनकी अक्सर ऐश इशरत और बेहिसाब दौलत में ही इजाफा होता जाता है। रमेश जारकीहोली को सियासी तौर पर बड़े ही सुलझा हुआ शख्स कहा जाता है। इसलिए तो कांग्रेस की हुकूमत की जगह भाजपा की हुकूमत को इख्तदार पसीर किया। कर्नाटक के सियासी नाटक का रमेश जारकीहोली ही अहम किरदार था। वैसे तो सियासी लीडरों में उमूमन अय्याशियां देखी जाती है, लिहाजा इनके पीछे साजिशें भी रची जाती है। गलत कामों का गलत अंजाम इसी पस मंजर में इसे देखा जा सकता है। अगर वैसे भी आवाम में यह भी कहा जा रहा है कि रमेश जारकीहोली को भाजपा में बढ़ते कद को मंजूर करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि भाजपा आला जात वालों की पार्टी के तौर पर देखा जाता है। जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा की गोद में बैठने के लिए रमेश जारकीहोली गए तो कईयों का यही कहना था कि भाजपा पिछड़ी जाति को ज्यादा ऊंचाई पर पसंद नहीं करती। लिहाजा यह भी कयास लगाया जा रहा है कि रमेश सावकार के बढ़ते कदमों को पीछे रोकने के लिए किसी वजह की जरूरत थी। लिहाजा रमेश जारकीहोली को इख्तदार के नशे में इसे ख्याल ही नहीं रहा कि साजिशें तो कहीं भी हो सकती है। साजिश हो, जो भी हो, गलत कामों में मुलव्विस जिल्लत की वजह बन सकती है। कर्नाटक के सियासी गलियारों में रमेश जारकीहोली सेक्स टेप की धूम है और यकीनन इसके जरिए रमेश जारकीहोली को हटाने का फरमान भाजपा आलाकमान दे सकता है। शायद भाजपा भी इसी के इंतजार में हो। इस वीडियो की तफ्तीश की मांग की जा रही है। 2 घंटे से भी ज्यादा इस वीडियो में रमेश जारकीहोली के बादशाही शौक नजर आते हैं। लिहाजा कीमत तो यकीनन चुकानी पड़ सकती है, लेकिन इसके साथ एक नई सियासी दिशा भी तय हो सकती है, क्योंकि सावकार आसानी से शिकस्त खाने वालों का नाम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर कांग्रेस की हुकूमत का इशारा तो नहीं? जबकि रमेश जारकीहोली कांग्रेस की नैया डुबो सकते हैं, तो भाजपा से अगर कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस की तरफ सियासी रुख को मोड़ देना भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखना यह है कि रमेश जारकीहोली सेक्स टेप का कितना असर आने वाली सियासत में हो सकता है। ये तो मुस्तकबिल वक्त पर ही छोड़ दे तो बेहतर है। मरीजी सही देखभाल न करने का इल्जाम लगाकर डॉक्टर के साथ हाथापाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा मुतालबा IMA की जानिब से किया गया। और जब तक कार्रवाई नहीं की जाती निजी अस्पतालों में OTP बंद रहेंगे, ऐसा इशारा भी दिया गया। लिहाजा आज दिन भर मारुति गली के अस्पताल में हुई डॉक्टरों से हाथापाई को लेकर निजी अस्पतालों में मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हासिल इत्तला के मुताबिक मारुति गली के रोहित जोशी अस्पताल में वड़गांव का मरीज जिसका नाम परशुराम लोकरे है, पेट के मर्ज में मुब्तला इस मरीज को दाखिल किया गया। लिहाजा मरीज के पेट का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद मरीज और पस्त
हालत में गया। ऑपरेशन के बाद पता चला कि मरीज परशुराम लोकरे को कैंसर है, लिहाजा मरीज को सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया। बरोस पीर मरीज के खानदान के लोग और दलित संघर्ष समिति के कारकुनान जिम्मेदारान ने डॉक्टर की मुलाकात कर तमाम तफसीलात हासिल किए। मरीज की पस्त हालत को डॉक्टर ही जिम्मेदार, ऐसा कयास लोकरे के खानदान और दिगर दलित तंजीमों की जानिब से किया गया। दलित तंजीमों के लीडरों ने डॉक्टर जोशी के अस्पताल में घुसकर हमला किया और डॉक्टर के साथ हाथापाई करने का इल्जाम लगाया। तोड़फोड़ फरमाई गई। हिमायतों का कहना है कि गलत इलाज किया गया और बेतहाशा बिल लगाया गया, जिससे आज मरीज जिंदगी और मौत के दरमियान है। वही डॉक्टरों का कहना है कि जितनी मुमकिन कोशिश करनी थी हमने की है, अगर इसी तरह डॉक्टरों पर हमले होते रहे तो मरीजों के इलाज करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, लिहाजा इस तरह की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर रोहित जोशी की हिमायत में बेलगाम के डॉक्टरों ने आज ओपीडी बंद रखकर एहतजाज दर्ज किया और गिरफ्तारी की मांग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज सहाफियों के सामने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।